जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश ने 5 जवान खोए हैं। शहीद होने वाले पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड का एक ऐसा परिवार है जिसके 2 बेटे 2 महीनों के अंदर देश के लिए शहीद हो गए हैं। टिहरी के देवप्रयाग निवासी आदर्श नेगी सोमवार को हुए कठुआ आतंकी हमले में शहीद हो गए। 2 महीने पहले उनके भाई मेजर प्रणय नेगी भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। 2 महीनों में 2-2 जवान बेटों की शहादत से पूरे परिवार में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 महीने और 2 बेटों की शहादत, उत्तराखंड के टिहरी की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी। जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादियों के हमले में उत्तराखंड के 5 बेटे शहीद हो गए। इनमें से एक परिवार टिहरी जिले के देवप्रयाग का रहने वाला है। इस परिवार की महानता के चर्चे पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं। इस परिवार ने 2 महीनों के अंदर ही 2 बेटे देश के लिए कुर्बान कर दिए हैं। उत्तराखंड के 5 लाल जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना पर हुए आतंकवादियों के कायराना हमले के शिकार हो गए। 5 जवानों के घर जब ये संदेश पहुंचा कि उनके परिवारों के चिराग देश की सेवा में शहीद हो गए हैं, तो घर में मातम पसर गया। पूरे उत्तराखंड में इन बलिदान का शोक मनाया गया। सोमवार को दोपहर में कठुआ में सेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इन शहीद जवानों में एक जवान ऐसा भी है जिसके परिवार ने पिछले 2 महीने में देश के लिए दूसरा बेटा न्योछावर कर दिया है। हम जिस परिवार की चर्चा कर रहे हैं वे टिहरी जिले के देवप्रयाग में स्थित कीर्तिनगर के थाती डागर गाँव के रहने वाले हैं। राइफलमैन आदर्श नेगी ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आदर्श नेगी के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गाँव तक पहुंची तो पूरे गाँव में शोक की लहर छा गई। न सिर्फ शहीद का परिवार बल्कि पूरा गाँव ही शहादत पर शोक मना रहा है। 26 साल के शहीद जवान आदर्श नेगी की अभी शादी भी नहीं हुई थी। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने देश के लिए अपने जान दे दी। पिछले 2 महीनों में आदर्श नेगी के परिवार में दूसरी बार दुखों का पहाड़ टूट गया है। इससे पहले भी ये परिवार अपना एक बेटा देश के लिए न्योछावर कर चुका है। 2 महीने पहले ही शहीद आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए थे। भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर तैनात रहे प्रणय नेगी भी देश के लिए शहीद हो गए थे। दूसरे बेटे शहीद आदर्श नेगी की शहादत की खबर मिलते ही परिवार सुदबुद खो बैठा है। 2018 में आदर्श गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। 6 साल देश की सुरक्षा की और देश की सेवा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद राइफलमैन आदर्श नेगी अपने पीछे अपने पिता दलबीर सिंह नेगी, अपनी माता, एक भाई और एक बड़ी बहन को छोड़ चले गए हैं। उनका भाई वर्तमान में चेन्नई में जॉब करता है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। शहीद के पिता गांव में किसान हैं। आदर्श इसी साल गांव आए हुए थे। बता दें कि आदर्श के चचेरे भाई मेजर प्रणय भी देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि वे भी लेह में ऊंचाइयों पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऑक्सीजन की कमी के वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए। दोनों ही जवानों की शहादत की खबर से क्षेत्र में शोक का माहौल बन चुका है।